तो कब होने वाला मोस्ट अवेटेड प्रो कबड्डी सीजन 11 का ऑक्शन, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। और साथ यहाँ पर एक FI यानी कि अमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया और मसाल स्पोर्ट्स जो कि प्रो कबड्डी के ऑर्गेनाइजर है उनके बीच भी जो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो चुका है यहाँ पर 30 जून 2024 को। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर दोस्तों मैं आपको फुल डिटेल देने वाला हूँ, क्या यहाँ पर इसके कारण जो PKL सीजन 11 है वो कैंसिल हो सकता है। तो वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, वीडियो को देखें एंड तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक और नई वीडियो की। तो पहले हम बात करते हैं पर दोस्तों PKL सीजन 11 की ऑक्शन डेट के बारे में, किस दिन जो ऑक्शन है वो हमें यहाँ पर स्टार्ट होते नजर आने वाला है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि ऑक्शन से पहले यहाँ पर जो सभी टीमें हैं वो अपने यहाँ पर NYP खिलाड़ियों को अनाउंस करती है यानी कि न्यू यंग प्लेयर्स। लेकिन अभी तक यहाँ पर दोस्तों हरियाणा सिलर्स की टीम के सिवाय किसी भी टीम ने उनके जो NYP खिलाड़ी है उनको अनाउंस नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो सभी टीमें उन्होंने यहाँ पर जो उनके NYP खिलाड़ियों की लिस्ट है वो यहाँ पर मसाल स्पोर्ट्स को सबमिट कर दिया है। इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों सभी खिलाड़ियों को रिकेटेगराइज किया जाता ऑक्शन से पहले उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर। इसके ऊपर यहाँ पर दोस्तों में कोई अपडेट देखने को नहीं मिली है। सभी खिलाड़ियों के यहाँ पर 4 कैटेगरी में बांटा जाता है ABCD जो कि उनके यहाँ पर दोस्तों ऑक्शन में बेस प्राइस को सेट करती है। साथ यहाँ पर दोस्तों ऑक्शन से पहले जो सभी 12 टीम है वो यहाँ पर अपने रिटेन और जो रिलीज खिलाड़ी उनकी लिस्ट को अनाउंस करती है। लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी भी टीम ने ऐसा नहीं किया। और इसके ऊपर यहाँ पर दोस्तों अपडेट की बात करें तो यहाँ पर मसाल स्पोर्ट ने सभी टीमों को 15 जुलाई तक जो उनके रिटेन और जो रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट है उसको यहाँ पर मसाल स्पोर्ट को सबमिट करने के लिए बोला है। और बात करें यहाँ पर दोस्तों ऑक्शन डेट के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों अकॉर्डिंग तो सोर्सेज यहाँ पर जो ऑक्शन है वो मैं यहाँ पर मिड अगस्त के अंदर दिखाई दे सकता है यानी कि दोस्तों जो ऑक्शन की डेट है वो यहाँ पर 15 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों ऑक्शन डेट की जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर प्रो कबड्डी कर सकता है जुलाई के एंड या फिर जुलाई के पहले वीक के अंदर, उसके लिए भी हमें यहाँ पर वेट करना होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली जो ऑक्शन है वो यहाँ पर हमें मिड अगस्त के अंदर दिखाई देने वाला है। और बात करें यहाँ पर दोस्तों AKFI यानी कि अमेचर कबड्डी फेडरेशन और मसाल स्पोर्ट्स के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर 30 जून खत्म हो चुका है अकॉर्डिंग टू कबड्डी अड्डा। यहाँ पर दोस्तों बात करें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो मसाल स्पोर्ट्स जो कि प्रो कबड्डी के ऑर्गेनाइजर हैं और साथ यहाँ पर दोस्तों जो AKFI है जो यहाँ पर दोस्तों जो इंडियन कबड्डी खिलाड़ी है उनको यहाँ पर परमिशन देते हैं प्रो कबड्डी के अंदर खेलने की। यहाँ पर दोस्तों अगर ये दोनों ही यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते हैं तो हमें जो प्रो कबड्डी है वो यहाँ पर अगस्त में दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर दोस्तों जल्दी यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर जो PKL सीजन 11 वो हमें यहाँ पर डिले देखने को मिल सकता है। और दोस्तों अगर जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा चांसेस इसके ये भी है कि जो PKL सीजन 11 है वो हमें यहाँ पर कैंसिल होते नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसा बहुत ही मुश्किल होगा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको यहाँ पर एक्सटेंड नहीं किया जाए। तो ये थी हमारी अपडेट इस टॉपिक के ऊपर। दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें शेयर करें, चैनल पर अगर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें कबड्डी से जुड़ी ऐसी शानदार अपडेट पाने के लिए।